नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। सभी साथियों से गुजारिश है जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। जो जो साथी जुड़ेंगे उनसे गुजारिश और विनती करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे। साथियों, अभी अभी मैं अपने दफ्तर में बैठा था और बहुत ही जबरदस्त तरीके से कुर्सी हिलने लगी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से भूकंप के झटके महसूस होने लगे। मैंने सोचा भी क्या हो गया, मैंने सोचा भी ट्रेन आती होगी या कोई बात होगा, लेकिन साथियों भूकंप के झटके हैं वो बहुत ही तेज गति से महसूस हो रहे थे साथियों। और इसके साथ साथ सिरसा से मेरे पास लगातार फोन पे फोन आ रहे हैं। लगातार मैं आपको बता दूं, भूकंप के झटके बहुत तेज गति से लोगों को महसूस हुए हैं। लोग अपने घर पर सोए हुए थे तो लोगों के बेड हिलने लगे, चारपाई हिलने लगी, और इसके साथ साथ बहुत तेज गति से लोगों को भूकंप के झटके महसूस होने लगे साथियों। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर और आ रही है, फतेहाबाद और रानिया में भी भूकंप के लोगों को झटके महसूस हुए हैं बहुत तेज गति से। और इसके साथ साथ रानिया में भी हैं और फतेहाबाद में भी है, रतिया में भी है, और भी लगातार जो खबरें आ रही है मैं आपको बता दूं, चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं साथियों। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ें। शमशाबाद पट्टी में भी बहुत तेज गति से, राजस्थान में प्रेमपुरा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं साथियों, और सिरसा में भूकंप का झटका बहुत तेज गति से महसूस हुआ है, और अभी अभी नोहर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। नोहर में, अम्बाला में भी है, उकलाना में भी है साथियों, मंगाला में भी भूकंप के झटके, नोहर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चंडीगढ़ में भी और चंडीगढ़ के आसपास हिसार में भी, बादरा में भी अलग अलग जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और सिरसा में साथियों सुखचैन में अलग अलग एरियों से लोगों के मेरे पास फोन भी आ रहे हैं। लगातार मैं आपको सूचना दे रहा हूं, मैं दफ्तर में बैठा था साथियों, मुझे खुद महसूस हुआ बहुत तेज गति से भूकंप के झटके। चूरू, सरदार शहर में भी, सूरतगढ़ में भी, सभी साथियों से गुजारिश है, चंडीगढ़ में भी बहुत तेज झटका महसूस हुआ, भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रावतसर में भी बहुत ज्यादा भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बॉम्बे में भी बहुत तेज भूकंप के झटके लोगों को महसूस हुए हैं। हिसार में और फेपाना में और सिरसा में तो साथियों दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। साथियों इसकी तीव्रता कितनी थी यह तो साथियों अनुमान लगने के बाद, पता लगने के बाद मैं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं दफ्तर में बैठा था तो मेरी कुर्सी है वो बहुत तेज गति से हिलने लग गई थी। भिवानी में भी भूकंप के झटके लोगों को बहुत तेज गति से महसूस हुए हैं। मलेका आसपास के लगातार मैं आपको बता दूं, लगातार पूरे हरियाणा में इसके भूकंप के झटके महसूस है लोगों को हुए हैं, महसूस किया जा सकता है। फेपाना में भी हुआ है, और मैं दफ्तर में बैठा था, मेरे दफ्तर के पास यहाँ पर टाउन पार्क है तो टाउन पार्क में मैं आया हूँ, क्योंकि दफ्तर की बिल्डिंग खतरा लगा रहता है, आसपास की गली के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। एलनाबाद में भी लगातार साथियों के कमेंट आ रहे हैं, गुड़गांव में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो तमाम साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथी लिख रहे हैं भी आसपास के गाँव में, कोई डुकड़ा से कह रहा है, फूला फतेहाबाद में भी, करमगढ़ में भी बहुत तेज़ गति, झुंझुनू राजस्थान में भी, झुंझुनू में भी भूकंप के झटके बहुत तेज़ गति से आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं किसी को कोई नुकसान ना हुआ हो। मंगाला में भी, जयपुर में भी 4.5 तीव्रता शायद बताई जा रही है। जय शर्मा जी का कमेंट आया है, एक साथी का कमेंट आ रहा है, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक ठीक। तो अलग अलग स्थानों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो जो भी साथी जुड़े हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल्ली NCR में भूकंप के झटके, तेज झटके, और रिएक्टर स्केल में 5.5 तीव्रता मापी गई है। अफगानिस्तान में भी भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, और तेज़ गति से भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।